फिर भी दुनिया वालों ने कहा जय हो साहब। हमारे ये मदन गुरु जी के शिष्य हैं हमारे आदरणीय वीरेंद्र डॉक्टर साहब, ये 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। फिल्मी दुनिया वालों ने कहा भैया शंभू जी, अगर हमें जीने की होती, अगर तुम न होते, 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 अगर तुम न होते। अब गीत सुनना, धारा धसक जाती ये धरणी धसक धाती, धरा तल के मुख में धरा धसक जाती, धरा तल के मुख में अगर अगर सतन होता, अगर सतन होता और नहीं कोई होता कभी सत के रुख में, अगर सत न होता, अगर सत न होता। अब सत की बात, पहली बात सत तो प्यारे थे, अरे आग ना लगाते, आग ना लगाते वो अपने ही सुख में, आग ना लगाते वो अपने ही सुख में, अगर सतन होता, अगर सतन होता, पहली बात डॉक्टर साहब और पंडित जी अटारी वाले हो। अब द्वितीय बात सुनेंगे, अरे सत्य और धर्म पे और ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी की तरफ से प्रदान हुआ है, मैं बार बार नमन करता हूं, कहना है अरे सत्य और धर्मों पे रख पर अड़े थे, अरे रावण से सत्य की वो लड़ाई लड़े थे, भगवान राम अरे आहे न सुनोते, आहे न सुनोते सीता के दुख में, आहे न सुनोते सीता के दुख में, अगर सतन होता, अगर सतन होता।
शंभू जी गीत का लास्ट बंद कहने के लिए जा रहा हूँ विशेष ध्यान दे करके, और ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारे तिवारी जी की तरफ से। क्या बात है पगड़ी मास्टर। अब लास्ट बंद है मेरे गीत का, सुनेंगे बड़े प्रेम से। सत्य और धर्म जमे थे, सत्य और धर्म पे ही पांडव जमे थे। संग में किसन जी के मन में रमे थे, और लिखने से पहले शंभू भाई इसमें डबल डबल काफिया पड़े हुए हैं। धरातल के मुख में, सत के रुख में, अपने ही सुख में, और आहेन भरते सीता के दुख में। अब लाइन क्या जुड़ रही है? अरे सत्य और धर्म पे, सत्य और धर्म पे देखूंगा दुख में, अगर सत न होता, अगर सत न होता। धरातल के धरातल के दुख में, अगर सत न होता, अगर सत न होता। धरातल के धरातल के दुख में, अगर सत न होता, अगर सत न होता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक गीत और सुनेंगे, अभी टाइम बहुत शेष है। अरे प्रियतम मेरे, फूल नहीं मेरा दिल है, कलाकार की गायकी भाई साहब बिल्कुल साफ स्वच्छ होनी चाहिए। भांगड़े जी बड़े प्रेम प्रेम के साथ में गाओ, कोई कुछ कह नहीं रहा है आपसे। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी की तरफ से, बार बार धन्यवाद। जीवन दाता राम है, जीवन दाता राम है, सबसे कीजे प्रेम। जीव दया का पात्र है, प्रभु का ये ही नेम। तो भांगड़े जी, अरे दया भाव रखो जीवों पे, गौर देना भाई साहब। अरे दया भाव रखो जीवों पे, अरे सारी सृष्टि प्यारी है, अरे सदा सदा से पशु पक्षी रहे, सदा सदा से पशु पक्षी रहे, मानव के हितकारी है। दया भाव दया भाव रखो जीवों पर, सारी सृष्टि प्यारी है, और सदा सदा से पशु पक्षी रहे, मानव के हितकारी है। अब कौन पशु पक्षी मानव के हितकारी रहे? पहला पक्षी, अरे विष्णु वाहन,
एक शब्द को सुने, बात बात में करें, एक एक शब्द सुने। नाग फांस से सब सेना को गरुड़ जी ने मुक्ति दिलाई थी और लंका में श्री रामचंद्र की ऐसी जीत कराई थी। और अरे द्वापर भी मनमोहन की, द्वापर भी मनमोहन की करोड़ ही बने सवारी है, अरे करोड़ ही बने सवारी है। तो इसीलिए लाइन कह रही है किशन गुरु की, सदा सदा से पशु पक्षी रहे मानव के हितकारी है। द्वितीय बात, अरे काग भूसंड भी भैया जी, अरे काग भूसंड भी देख त्रेता में रामचंद्र संग खेले थे। और एक और हकीकत, अरे तीन लोक चो कहे भुवनों के जमेले थे और अरे लाखों ब्रह्मांडों में देखा थारे सिर्फ अकेले थे। और अंतराम जी की भक्ति में सारी उम्र गुजारी है, सारी उम्र गुजारी है, सदा सदा से पशु पक्षी रहे मानव के हितकारी है। और अगली बात तीसरी, अरे युद्ध लड़े रावण के संग में कौन, समझ रहे हो, अरे युद्ध लड़े रावण के संग में कित राज बलधारी है वो। दिए ही रावण ने पर सिया हरी व्यभिचारी है, और तब भगवान राम ने अरे दाह किया श्री रामचंद्र ने, अरे दाह किया श्री रामचंद्र ने राज अधिकारी है। और अरे राम काज में जान गवाई, अरे राम काज में जान गवाई, जाने सब संसारी है, अरे जाने सब संसारी है, सदा सदा से पशु। और शंभू भाई लास्ट बंद है मेरे गीत का, कार्तिकेयकी मोर सवारी, कार्तिकेयकी मोर सवारी मोर पंख हर धारो है। लक्ष्मी उल्लू पे सवार भई, लक्ष्मी उल्लू पे सवार भई, ये जान रहो जग सारो है भाई, जान रहो जग सारो है, जान रहो जग सारो
चोने बोने निहारो है। अरे कहे किसन शास्त्रों की बातें, कहे किसन शास्त्रों की बातें, जाने सब नर नारी है। अरे सदा सदा से पशु पक्षी भी मानव के हितकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब आइए चलते चलते, क्यों तो टाइम भी देखना है। अजी राखो जी मेरी लाज रखो गिरधारी। अजी राखो जी मेरी लाज रखो मेरे धारी। बोलिए बांके बिहारी ला बच्ची रहे मानव के हितकारी।